हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखो, आज ना किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है और ये ना मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़रूरी डाउनलोड मैसेज है। जो भी आज इस वीडियो तक पहुँचे हैं या जो भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, तो आपके लिए कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। आप में से किसी के लिए कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जिससे जानना ज़रूरी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी परेशानियाँ हैं जिनका ना अंत बहुत निकट आ चुका है, जिनका एक समय है, अब वो समय आ चुका है, उनका अंत होने वाला है। परमपिता परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं, आपको उनके शरण में जाना है क्योंकि अब टाइम आ चुका है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा खास डाउनलोड मैसेज आ रहा है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और बहुत टाइम से हो रहा है और ये ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मुझे ये चीज़ शेयर करना चाहिए। देखो, आप किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं, आपकी कोई भी कास्ट हो सकती है, आप हो सकता है हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। देखो, आपके लिए ये चीज़ें आ रहा है कि आपको ना, आप जिस भी रिलीजन से हैं, आप कुछ ऐसी चीज़ें होते होंगे कि आप उनका जाप करते हो, किसी मंत्रास का जाप करते होंगे, ठीक है, और किसी ऐसी चीज़ों को, जैसे हमारे में गीता पढ़ा जाता है, रामायण पढ़ा जाता है, कुछ ऐसी ग्रंथ हमें पढ़नी चाहिए जो हमारे लिए ना ज्ञान को बहुत ज़्यादा, हमारे ज्ञान को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है, मतलब उनमें ऐसी चीज़ें हमें पता चलती है और जिसके लिए हमें आगे का मार्ग नज़र आता है। मतलब मुझे ऐसा समझ आ रहा है डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं, आपको कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी पुस्तकें, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी आध्यात्मिक पुस्तक यहाँ पर डिवाइन आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके सवालों का जवाब छुपा हुआ है। अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं ना, कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं, कुछ आपको ऐसी चीज़ चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत बॉदर कर रही है, तो वो चीज़ें आपको मिल सकती है। और देखो, ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, हनुमान चालीसा किसी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आया है, पता नहीं क्यों बहुत देर से आ रहा था। 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का ये बहुत ज़्यादा आ रहा था। अगर आप और भी किसी कास्ट से हैं, आप किसी भी रिलीजन से हैं, तो आप जो पढ़ते हैं ना, ठीक है, जो भी आप पढ़ते हैं, जहाँ पर आपको सुकून मिलता है, आपके रिलीजन में होता हुआ कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जो पढ़ना बहुत अच्छा होता है, तो उन चीज़ों को पढ़ने के लिए आपके जो परमात्मा हैं, आपके जो ईश्वर है, वो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि आपको इस टाइम पर उन चीज़ों को पढ़ना है। अगर आप हिंदू हैं तो हनुमान चालीसा 3 बार पढ़ने का पता नहीं क्यों ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और बहुत स्ट्रॉन्गली डाउनलोड मैसेज आया है, 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है आपको। आपके लाइफ में कुछ ऐसे संकट है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो बहुत जल्दी यहाँ पर दिख रहा है कि उन चीज़ों से ना रिमूव होने वाले, वो चीज़ें आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं हटने वाली है। तो यहाँ पर इसीलिए ये मैसेज आ रहा है कि 3 बार हनुमान चालीसा, या अगर आप किसी और कास्ट से हैं, किसी और रिलीजन से हैं, तो आप में भी होता होगा, हर धर्म में होते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं जो पढ़ते हैं लोग, तो आपको वो चीज़ें पढ़ने के लिए बोली जा रही है, ठीक है, 3 से 2 बार आपको पढ़नी है, क्योंकि आपके लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो चीज़ें हैं आपके लाइफ में, कुछ ऐसे संकट हैं, वो मिटने का समय आ चुका है। वहाँ पर आपके परमात्मा आपको उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड करेंगे और देखो, उसी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी जानकारी है, कुछ तो ऐसी बातें हैं जो उन चीज़ों में छुपी हुई है, ठीक है, कहीं ना कहीं हिडन है, वो आपको अभी तक पता नहीं चला है। आप देखोगे, आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे उन चीज़ों को, आपको वहाँ से समझ आ जाएगा कि परमात्मा आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपको बहुत देर से हिंट दे रहे थे लेकिन आप समझ नहीं पाए, लेकिन जब आप उसे पढ़ोगे ना, उन चीज़ों को, आध्यात्मिक बुक को, तो वहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से सब कुछ समझ आ जाएगा, क्लियरली आपको समझ आ जाएगा कि आपके परमात्मा आपको क्या बताना चाहते हैं। किसी किसी को 888 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, या 88 दिख रहा होगा, 888 दिख रहा होगा, ठीक है, 8 की संख्या बहुत ज़्यादा दिख रही होंगी इस टाइम पर आपको, या हो सकता है इस वीडियो के बाद दिखे, या आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको 888 बहुत ज़्यादा दिख सकता है, 111 या 1111 बहुत ज़्यादा दिख सकता है, या हो सकता है देखो अभी भी आपको कुछ एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे। आपको पता होगा कि आपको कौन से एंजल नंबर बहुत ज़्यादा मतलब अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ स्पेसिफिक मैसेज हैं, उसे डिकोड करिए। अगर आपको कुछ ऐसे एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, या आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी आपको, मतलब देखो कमेंट्स बहुत सारे लोग करते हैं, तो मैं बहुत हद तक कोशिश करूँगी आपको उस चीज़ के बारे में बताने की, नहीं तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगी, तो देखे, नहीं तो आप YouTube पे भी बहुत सारे ऐसे लोगों ने बनाए हैं, ठीक है, इन जिस नंबर के बारे में आप गूगल से पूछ सकते हो कि उस
एक पर्टिकुलर नंबर जो आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है उसका मतलब क्या है। तो देखो इस टाइम पर एंजल्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ इंडिकेट देना चाहते हैं, कुछ ऐसा हिंट जो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो उसके लिए आपको वो बुक, वो जो अध्यात्म बुक है, जो ग्रंथ है, उसे पढ़ना है। ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें छुपी हुई है। या आप हनुमान चालीसा पढ़े, अगर आपको पढ़ने की आदत है तो बहुत अच्छी बात है। 3 बार ज़रूर से पढ़िए, 3 से 7 बार ज़रूर से पढ़े। आपके जो भी संकट हैं, जो भी मुसीबत है आपकी लाइफ में अभी आई है, जो फेस कर रहे हो ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में ये चीज़ें आप खुद भी ऑब्जॉर्व करोगे कि जैसे जैसे आपने ये चीज़ें करना स्टार्ट किया ना, जैसे आपके लाइफ में एक भूचाल जैसे आया था, वो कहीं आके कहाँ उसे उखाड़ के फेंक दिया आपके परमात्मा ने, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें ज़रूर से करें। इसमें कुछ मैसेजेस भी हैं आपके लिए, वो भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था और सुबह से मुझे बहुत ज़्यादा, मैं वीडियो नहीं बनाने वाली थी सच कहूँ तो, क्योंकि बहुत सारे काम थे मेरे पास, बहुत सारे पेंडिंग काम मुझे कंप्लीट करने थे। कल जन्माष्टमी भी था, वो भी मुझे बहुत सारा, मतलब उसमें भी सारे सामान सबको समेटते, तो मैं नहीं बनाती, लेकिन बहुत ज़्यादा डिवाइन के फोर्सेस पर मैंने ये बनाया है। तो देखे आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, उस बुक में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। और अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या अभी नहीं पढ़ रहे, मुझे लगता है देखो बहुत सारे लोग ना मुझे लगता है जाप आप करते थे, ठीक है, मेडिटेशन आप करते थे, हो सकता है 2 से 3 दिन आपकी तबीयत ख़राब हुई हो, या हो सकता है कि बिजी शेड्यूल के वजह से आपने नहीं कर पाए, तो क्या पता इस चीज़ के लिए भी डिवाइन आपको कह रहा है कि आपने छोड़ा कैसे। आपको ये चीज़ें करते रहना है, आपके लिए उस चीज़ के लिए टाइम निकालना है। जब आप जाप करते हो ना, तब आप ये चीज़ें, देखो मैं इस चीज़ के लिए बना दूंगी वीडियो, लेकिन आज मैं एक छोटी सी चीज़ आपको कहती हूँ, जब आप जाप करते हो ना, आप अपने सारे जो अभी आपके मतलब आपके जो भी मतलब चक्रास है ना, वो बैलेंस होने लगते हैं, अपने आप हील होने लगते हैं, आप इन चीज़ को खुद ही नोटिस करोगे। तो हो सकता है 2 से 3 दिन में बहुत ज़्यादा बिजी हो, या आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आए हो, किसी किसी का हेल्थ प्रॉब्लम भी मुझे दिख रहा है, तो जिस वजह से आप नहीं कर पाए, उसलिए भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि वो चीज़ करें। ठीक है, ये मैसेज भी आया है किसी के लिए, और किसी के लिए आया है कि हनुमान चालीसा पढ़े। और अगर आप किसी और रिलीजन से हैं, तो जो भी आपके हैं, बाइबल हैं, किसी का कुरान है, जो भी है उसे पढ़िए, उसमें भी कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। ये आ रहा है, और देख लेते हैं अभी इस वक्त डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। करेंट एनर्जी में देखते हैं अभी इसी वक्त कौन सी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए लेकिन आपको मालूम नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से डाउनलोड मैसेज ले लेते हैं। ओके, और ज़रूर से 444 लिखकर डिवाइन को थैंक यू बोले, डिवाइन को ज़रूर से बोले अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करें, और मेरी लाइफ में ढेरों ब्लेसिंग लाइए, क्योंकि मैं आपसे ही जुड़ा हूँ, आपसे ही जुड़ी हूँ। आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में, और जो मेरे लाइफ में संकट हैं, जो दिक्कतें हैं, उन्हें आपको ही ख़त्म करना होगा। 888 लिखकर करिए, यहाँ पर 88 दिख भी रहा है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। 888 लिखकर ज़रूर से डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि आपके संकट बहुत जल्दी मिटने वाले, जो भी दिक्कतें हैं ना आपके, इसलिए ये मैसेज आप पढ़ भी पा रहे, सुन भी पा रहे हैं, क्योंकि जो भी संकट हैं, जो भी मुसीबत है, जो भी आपके लाइफ में परेशानियां चल रही हैं, जो भी चीज़ें हैं ना, वो बहुत जल्दी ख़त्म होगी। आपको बस परमात्मा पर ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है, वो आपके लिए खुद ही देखो रास्ते खोल देते हैं। ये वीडियो आप तक पहुँचाए, मतलब डिवाइन चाहते हैं कि वीडियो आप तक पहुँचे। इसमें चीज़ें ऐसी बताई गई है जो आप करेंगे तो आपको ज़रूर से, मतलब आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, इसीलिए तो वीडियो आप तक पहुँचा है। तो ज़रूर से डिवाइन को ग्रेटफुल हो, थैंक यू बोले, और जो जो चीज़ें इसमें बताई गई है उसे फॉलो करें। देख लेते हैं इस वक्त डिवाइन एंजल्स जो आपके पूर्वज हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। यू नीड टू बी केयरफुल विद दिस ईवल फैमिली मेम्बर्स, यू नीड टू बी केयरफुल विद दिस ईवल फैमिली मेम्बर्स। तो कोई ईवल फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, मेम्बर्स की बात हो रही है, कोई फैमिली मेम्बर्स है, उनसे आप थोड़े सावधान रहे, सतर्क रहे, उनसे थोड़ा दूरी रहे, उनसे बहुत ज़्यादा दूर रहे, क्योंकि यही आपके लिए सही होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये इंसान आपको देखकर बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं ये लोग, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स जो हैं बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं आपको देखकर। तो यहाँ पर ये आपके लिए गाइडेंस आ रहे हैं, अगर आपको पता है कि कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं, उनको आप पसंद नहीं है, आपका जो शाइन करना, आपका जो ये बहुत ज़्यादा आप शाइन करते हो, ब्राइट करते हो, आपकी लाइफ में ब्राइटनेस है, तो ये सारी चीज़ें देखकर उन्हें पसंद नहीं है। तो ऐसे फैमिली मेम्बर, ठीक है, उससे आप थोड़ा दूर रहे, केयरफुल रहे। ओके, ये मैसेज आया है आपके लिए, और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। आपके हेटर्स अब डर के मरे जा रहे हैं,
आपके हेटर्स डर के मरे जा रहे हैं, ठीक है, डरे डरे से रहते हैं आपको देखकर, क्या कर रहे हो आप, इतने ज़्यादा क्यों डर रहे हैं वो, ठीक है, इतने ज़्यादा क्यों आपसे वो जेलस हैं ये मैसेज आ रहा है, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं वो, ठीक है, आपके जो हेटर्स हैं। योर बैड टाइम इज़ गोइंग टू बी एंड, वाओ, योर बैड टाइम इट्स गोइंग टू बी एंड, आपका जो भी मतलब एक बैड टाइम चल रहा था, मैंने क्या कहा, संकट, कुछ ऐसी प्रॉब्लम, कुछ ऐसी दिक्कतें, तो वो चीज़ यहाँ पर जल्दी से ही ख़त्म होने वाली है, रिमूव होने वाली है। अगर यहाँ तक आप पहुँच चुके, इस वीडियो तक पहुँच चुके, तो समझ लीजिए डिवाइन को थैंक यू बोल दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको एक रास्ता दिखा दिया है, एक मार्ग दिखा दिया है, ठीक है। तो जो आपको मैंने बोला स्टार्टिंग में, उसे ज़रूर से करना, क्योंकि वो एक चाबी है जो आपके समझ लो चाबी है जो आपके बंद ताले को खोल देगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रहा है बहुत ज़्यादा। ओके, ये मैसेज देख लेते हैं। इसमें बाबा है, नीम करोली बाबा है। हर चीज़ का वक्त तय है, हर जगह तय है, आप कहीं पर पहुँचते नहीं हैं, पहुँचाए जाते हैं। खेल आप नहीं रहे हैं, खेल तो मैं रहा हूँ। वाओ, बाबा यहाँ पर बहुत ही मतलब कुछ ऐसी बातें आपको समझाई हैं, देखो समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, कितना पॉजिटिव मैसेज आया है। सब कुछ वो ही कर रहे हैं, मतलब वो सारी चीज़ें वही हैंडल कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, जो वो चाहते हैं वही चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है। तो अपनी तरफ से आप कुछ भी ऐड ना करें, क्योंकि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, ये उनके बदौलत है, ठीक है, वही चाहते हैं ऐसा ही हो, तो ऐसा ही हो रहा है, तो ये किसी कारण से हो रहा है, ये कह रहे हैं बाबा। बहुत पॉजिटिव चीज, बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं आज। वाओ, और देख लेते डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन पावर ने आपके एनिमीज के आगे सारी बाजी पलट के रख दी, ठीक है। डिवाइन पावर ने आपके एनिमीज, आपके हेटर्स के आगे सारी की सारी बाजी पलट कर रख दी उनकी बोलती बंद कर दी। आपके एनिमीज, आपके जो हेटर्स हैं, ठीक है, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो बिना आपके बजाय मतलब हेट करते रहते हैं, उनको बस इसी बात की दिक्कत है कि आप उनसे आगे जा रहे हो। अगर मैं सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में आपको ये चीज़ बताऊँ ना, वो आपसे इसीलिए बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, आपसे मतलब जेलस रहते हैं, क्योंकि आप उनसे आगे बढ़ रहे हो, आप उनसे आगे जा रहे हो, तो इस वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, आपसे थोड़ा नफरत करते हैं। तो ये काम उन्होंने कुछ किया होगा, ये कुछ ऐसी चीज़ें, तो डिवाइन पावर ने, ठीक है, दिव्य शक्तियों ने, डिवाइन पावर्स ने आपके एनिमीज़ के, आपके हेटर्स के आगे सारी की सारी बाजी ही पलट के रख दी, उनकी बोलती बंद कर दी, ये बात आ रही है यहाँ पर। और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर एम्प्रेस आया है। एम्प्रेस मतलब आपका जो क्राउन चक्र है वो एक्टिव हो रहा है, और आने वाले टाइम में आप एक बहुत, देखो, रिस्पेक्ट पोजीशन डिवाइन ने आपके लिए, देखो, अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा कि आपको वो चीज़ें नहीं मिली जो आप चाहते थे, एक हो सकता है कि जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा आपने मेहनत करी, कुछ ऐसी चीज़ें, यहाँ पर 3-3 भी किसी को दिख रहा होगा, तो देखो आपको ना डिवाइन कोई ऐसी वैसी चीज़ें नहीं देना चाहते। आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जब वो आएगी तो आप, मुझे लग रहा है कि खुशी से झूमने नाचने लग जाओगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट पोजीशन है आपके लिए। अगर मैं सरल सरल शब्दों में आपसे कहूँ तो आपके लिए कुछ ऐसे पोजीशन बने हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बने हैं जो बहुत रिस्पेक्टफुली हैं, और लोग आपके नीचे हैं, आप उनके बहुत ज़्यादा ऊपर है, वहाँ पर आप मतलब लोगों को समझा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, उनको उनका काम दे रहे हैं, उनको कार्य दे रहे हैं, तो ऐसा कोई पोजीशन है आपका, ठीक है, जो बहुत रिस्पेक्टफुली है और बहुत मतलब बहुत बड़ी पोजीशन है। तो हो सकता है था एम्प्रेस वो पोजीशन आपको मिले। और देखो बहुत सारे लोगों का, मुझे लग रहा है क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है, आपको आपके क्राउन चक्र के आगे जहाँ हमारा माथा होता है, सर होता है, वहाँ पर झनझनाहट सी महसूस होती होगी जब आप जाप करते हो, मंत्रास करते हो, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ये देख लेते हैं और क्या आ रहा है। ऊपर वाला आपको कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने देता, इसीलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। डिवाइन आपको कह रहे हैं, आपकी दिव्य शक्तियाँ ये कह रही हैं कि ऊपर वाला कभी भी आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने देता,
इसीलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है, ये कह रहे हैं वो। समझने की बस आपको कोशिश करनी है। जब स्वयं भगवान का हाथ आपके ऊपर है तो किसी और का हाथ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब परम पिता परमेश्वर का हाथ ही आपके ऊपर है तो किसी और का हाथ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे वो कितनी भी चालें चल ले, लेकिन वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है। चाहे वो कैसी भी कोशिश कर ले, जितने भी जतन कर ले, लेकिन वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपका एक बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। ये मैसेज आया है, डिवाइन को जरूर से थैंक यू बोले। पग पग पर आपकी ना बहुत ज़्यादा सहायता कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप यहाँ पर बैठे हो, पीछे कुछ नहीं हो रहा है, पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको नहीं पता। आपके सामने यहाँ पर 222 भी दिखा है, मतलब ये बात सच है। पर्दे के पीछे ऐसे बहुत सारे कार्य हो रहे हैं जो आपको अभी तक मालूम भी नहीं है। आपको नहीं पता है कि आपके लिए क्या सोचते हैं लोग, क्या करना चाहते हैं, कौन सी साजिशें रखते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें करते हैं, लेकिन परमात्मा को पता है और वो उन चीज़ों को आपके लाइफ से हटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। आपके पीछे वो हमेशा काम करते रहते हैं। ये आइए यहाँ पर और देख लेते डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। उनके चक्रव्यूह की धज्जियाँ उड़ा दी गई है, ठीक है, उनके चक्रव्यूह की धज्जियाँ उड़ा दी गई है। किसी ने चक्रव्यूह रचा, कुछ चक्रव्यूह रचना चाहते थे, कुछ जाल बुनना चाहते थे आपके खिलाफ, तो उनके चक्रव्यूह के परमपिता परमेश्वर आपके डिवाइन पावर्स ने उनकी धज्जियाँ उड़ा दी, उनकी चक्रव्यूह की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। वो मतलब सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया, वो मिशन उनका सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया जो वो चाहते थे कि सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, उसकी तो धज्जियाँ उड़ गई। ये कह रहे हैं डिवाइन आपके एंजल्स, आपके डिवाइन एंजल्स मतलब आपको ये बताना चाहते हैं, आपके सुप्रीम पावर आपको ना हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं। आप इस बात को माने ना माने, लेकिन सुप्रीम पावर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। पग पग पर आपके, आप जहाँ जहाँ कदम रख रहे हैं ना, वहाँ वहाँ पर वो आपकी रक्षा करने के लिए खड़े हैं। लेकिन आपको ये बात अभी तक समझ नहीं आया, आप तो समझ ही जाओ, आपको नहीं पता। यू आर प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। तू चल तो सही, हर मोड़ बना दूंगा, चिंता क्यों करता है, हर बार तेरा वक्त तुझे समझा दूंगा। वाओ, बहुत पॉजिटिव आया है। और देख लेते हैं डिवाइन इस वक्त और क्या बताना चाहते हैं आपको। ये वाला आ रहा है, ले लेते हैं। जीवन में हर चमत्कार एक समस्या के रूप में शुरू होता है। आप कहीं पर जाते नहीं, आपको पहुंचाया जाता है। बिना प्रयोजन के तो कभी दर्द भी नहीं होता, उन पर विश्वास करो। वाओ, आपको विश्वास करने के लिए कह रहे हैं डिवाइन, आपको कह रहे हैं विश्वास करो, जो आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं तो कह रही जो आप चाहते वैसा भी नहीं, उससे भी अच्छा होगा, क्योंकि आपकी चाबी ना आपको ऊपर वाला संचालित कर रहे हैं, वो आप उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। आप खुद के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, आप सोच रहे ऐसा करूँगा या ऐसा करूँगी, वैसा होगा, वैसा नहीं, सारी चीज़ें आपके परमात्मा के अकॉर्डिंग हो रही है, आपके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो रहा है। उनको पता है कि आपके साथ क्या होना चाहिए, क्या आपको मिलना चाहिए, क्या कब आपको देना चाहिए, वो जानते हैं, वो सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, क्योंकि सही समय जब आएगा तब ये सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। तू कार्य शुरू कर, तुझे सफलता मिलेगी, ये मेरी जुबानी है। यहाँ पर बाबा हैं, नीम करोली बाबा, तो ये मैसेज आया है, तू शुरू तो कर, तुझे सफलता मिलेगी, ये मेरी जुबानी है। और यहाँ पर 96 एंजल्स नंबर भी है। वाओ, बहुत पॉजिटिव, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच सुप्रीम पावर, थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर को और आपको आत्म मंथन की ज़रूरत है। इस टाइम पर ये भी मैसेज आया है, आपको और आपके पावर को ना आत्म मंथन की ज़रूरत है, दोनों को ही ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि एक को। Nobody's like you, आपके जैसा कोई भी नहीं है, ना ही कोई आपके जैसा बन सकता है। द एम्प्रेस, देखो आपके लिए ये तो चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पर
ये चीज़ यहाँ पर मुझे समझ आ गई। आप किसी रिस्पेक्टफुली प्रिंसिपल, ऐसा मुझे वाइब्स आ रहा है, किसी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली प्रिंसिपल पोजीशन के ना उस चीज़ के लिए आप बने हो और वो चीज़ें आपके लाइफ में ज़रूर से होगी। सॉरी, ये ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत रिस्पेक्टफुली पोजीशन है आपका। जेलस फीमेल, तो यही फैमिली मेम्बर्स की बात हो रही है, इसमें कोई जेलस फीमेल भी हो सकती है। यहाँ पर 2-2-2 बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज़्यादा सॉरी बहुत ज़्यादा 2-2-2 दिख रहा है। विक्ट्री इन योर डेस्टिनी, आपके लाइफ में विक्ट्री आपकी डेस्टिनी है। ये मैसेज आया है, आप गॉड के चैंपियन हैं और आपके लाइफ में विक्ट्री जो है वो आपके डेस्टिनी में ही है। जल्द ही आपके एनिमीज आपके सामने एक्सपोज होने वाले हैं। आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो एनिमीज हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपके सामने जल्द ही ना, ये चीज़ें आ रहा है, जल्द ही आपके एनिमीज एक्सपोज होने वाले हैं। ठीक है, मुझे ये मैसेज आ रहा है, आपके सामने नहीं, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि सबके सामने, क्योंकि यहाँ पर आया है जल्द ही आपके, हाँ, आपके एनिमीज एक्सपोज होने वाले हैं, आपके एनिमीज एक्सपोज होने वाले हैं सामने। ये आया है मैसेज, फिर से यहाँ पर 2-2-2 दिख रहा है, बहुत ज़्यादा 2-2-2 दिख रहा है किसी के लिए, बहुत ज़्यादा 2-2 मैग्नेटिक ऑरा, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है, बहुत, मतलब आपका ऑरा ऐसा है ना कि हर एक अच्छी चीज़ों को, अगर आपका ऑरा मैग्नेटिक है, प्योर है, बहुत पॉजिटिव है, तो आप उन्हीं चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि जाप किया करें, ठीक है, आपके सारे चक्रास अपने आप, आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और जो कुछ आपके लिए इवल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कुछ गलत इंटेंशन आपके लिए रखेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी तरफ भेजने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ें कार्य नहीं कर पाएंगी, आप तक वो चीज़ें पहुँच नहीं पाएंगी, क्योंकि आपने अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करके रखा है, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है, बहुत पावरफुल है, तो वो चीज़ें तुरंत के तुरंत बैकफायर होने लग जाती है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जाप किया करें। 108 की माला की राधा राधा ही हो सके तो ज़रूर से अवश्य किया करें, ज़रूर से लेकिन किया करें 108 माला का। आपको ऐसा फील कराया गया ताकि आप खुद भी अपने आकर्षण को पहचान ना पाए, अपने असली अस्तित्व को पहचान ना पाए। तो देखो ये चीज़ें यहाँ पर साफ साफ मुझे दिख रहा है, आपको पास्ट में, ठीक है, आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, ये आया है मैसेज बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपको ना पास्ट में या रीसेंट पास्ट में, मुझे ऐसा दिख रहा है आपको ऐसा फील कराया गया कुछ लोगों ने, ताकि आप ना अपने आकर्षण को पहचान ना पाए, आप अपने मतलब आपके अंदर जो इतनी पावर्स हैं, आप जो इतने पावरफुल हैं, आप जो इतने ज़्यादा अपने महत्व को ना पहचान पाए, तो ऐसे कुछ लोगों ने किया है और ये जानबूझकर किया है, ताकि आप लो कॉन्फिडेंस में जाएं, ताकि आप लो कॉन्फिडेंस में रहे, आप अपने कॉन्फिडेंस में ना आए, आप अपने पावर्स में ना आए, आपको हमेशा ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब जानबूझ के कुछ ऐसे इन लॉज की तरफ से आ रहा है ये, ठीक है, या कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल में, कुछ ऐसे आसपास के लोग, कुछ तो ऐसे लोग थे जो आपको मतलब जानबूझकर ऐसा फील करवाते थे कि आप बहुत ज़्यादा खुद के पावर में ना पाएँ, खुद को समझ ना पाए, ठीक है, तो ये जानबूझकर था, वो आपके पावर्स को समझ चुके थे, वो आपके शक्तियों को जानते थे कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, जानते थे कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, आप अगर अपने कॉन्फिडेंट में आ जाएंगे तो आप उनकी बैंड बजा दोगे, आप उन्हें बहुत ज़्यादा पीछे खींचकर, मतलब एक ऐसे पोजीशन में चले जाएंगे, ये सारी बातें वो जानते थे, तो उन्होंने कुछ ऐसे करने की कोशिश किया आपको, मतलब उन्होंने फील कराया, जानबूझकर कराया, ताकि आप अपने आकर्षण को, अपने पावर को, अपनी शक्तियों को, अपने कॉन्फिडेंट को, आप लोग कॉन्फिडेंट में रहे, ये सब चीज़ें वो जानबूझकर चाहते थे, तो ये सारी चीज़ें करी गई, जानबूझकर करी गई, ठीक है। आप लेकिन बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड भी हैं, बहुत प्योर हार्टेड है, आज मैं जिनसे बात कर रही हूँ, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, बहुत प्योर, बहुत काइंड हार्टेड हैं, आप किसी के लिए कुछ गलत नहीं चाहते हैं, सबके लिए बहुत अच्छा चाहते हैं, ऐसे लोग हैं आप। तो देखो डेफिनेटली आपके ऊपर ना कुछ स्पेल वगैरह किए गए थे रिसेंट पास्ट में या पास्ट में, वो थे कन्फ्यूज़न जो थे, स्पेल किए गए थे, वो स्पेल थे कन्फ्यूज़न के, वो स्पेल थे इल्यूज़न के, ताकि आप इल्यूज़न में रहे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहे,
कुछ समझ ही ना आए, कुछ कर ही ना पाए, कुछ समझ ना पाए, आगे बढ़ ना पाए, तो ये कुछ आपके ऊपर किए गए थे। लेकिन ये सारी चीज़ें ना बैकफायर हो जाते हैं जब आप जाप करने लग जाते हो, जब आप परमात्मा का ध्यान करने लग जाते हो, तो ये चीज़ें तुरंत के तुरंत चुटकियों में बैकफायर होता है, मल्टीप्लाई 100 to मतलब क्या ही कह सकते हैं। परमात्मा के शरण में जाओगे तो फिर देखो क्या क्या होता है आपके लाइफ में। डिवाइन प्रोटेक्शन, वाओ, फिर से अगेन डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ है, आपको कुछ भी कभी भी गलत नहीं हो सकता और ना ही कभी हुआ भी है, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कभी हुआ नहीं है। गाड़ी की बहुत कोशिश करी है तो वो चीज़ें ज़्यादा दिन के लिए रही नहीं, एक मेरे को तो लग रहा है 1 to 2 दिन के लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फील करते कि कुछ बर्डन, कुछ ऐसी बोझ, लेकिन वो परमानेंटली आपका कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, ऐसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और लास्ट मैसेज देख लेते क्या आ रहे हैं। फ्रेंड, तो ये कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, ऐसा हो रहा है फ्रेंड सर्कल के कुछ लोग। किंग एंड क्वीन वाइब्स लास्ट में ये मैसेज आया है, लेकिन आप क्वीन हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो किंग हैं, ठीक है, या आप किंग हैं आपके जो पार्टनर हैं वो क्वीन हैं, दोनों ही एक दूसरे के ढाल हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल।